अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो वेट इज़ ओवर एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेन टिप की कंप्लीट स्क्रिप्ट रिवील करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ही लाइव प्रूफ के साथ, लाइव टेस्टिंग के साथ एंड लाइव जो है ब्लॉगर वर्डप्रेस के ऊपर एड्स लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, मेरे पास पेन टिप की स्क्रिप्ट ऑलरेडी आ चुका है। ये जो है ना हम लोगों ने खुद जनरेट किया, मैं और मेरे दोस्त ने बड़ा कमाल से एंड बड़ी ज़बरदस्त मेहनत लगा के आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में लेके आया। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रेट के साथ ये मिल रही है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ों को लोग जो है ना वो तकरीबन आपको जो 5,000, 6,000, 7,000 की दे रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आज ही अमेजिंग एंड ज़बरदस्त वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग चेक करें, मेरे पास जो है ना ये वेबसाइट ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे आपको इसके अंदर भी मैं आपको वर्ल्ड प्राइस के अंदर लगा के दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद ब्लॉगर के अंदर भी लगा के दिखाने जा रहा हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस क्या क्या करनी है, और आपको स्क्रिप्ट जहाँ से मिलेगी वो आप लोगों को एंड पे बताऊँगा कि आप लोग इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं एंड क्या चीज़ें इसके अंदर आप लोग करोगे। सबसे पहले आप लोगों ने यह स्क्रिप्ट देख लेना है। देखने के बाद आप लोग यहाँ पर देखें डिफरेंट इसका फॉर्मेट है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर आप लोगों ने आना है एंड सर्च करना है कंट्रोल एफ दबा के पब्लिशर आईडी या PUB। ये चीज़ आप लोगों ने देखा, देखने के बाद आपको क्या मिलेगा, इस तरह की चीज़ें। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये CA Pub ID जब आपको मिलेगी, कौन सी, ये Client Pub ID आप लोग ये देखने, पहली वाली है Client Pub ID, आप लोगों ने ये वाली कॉपी करनी है, कॉपी नहीं करनी बल्कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड अपने एडसेंस के अंदर चले जाना। एंड कीप इन माइंड कि आपने वो वाला एडसेंस ओपन करना है कि जो आपका पेन टिप से अप्रूव है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि मेरी साइट कौन सा, यहाँ पेन टिप से अप्रूव है एंड ये वाला मेरा जो एडसेंस है ये पेन टिप का है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना ये वाला पब आईडी कॉपी करनी। कॉपी करने के बाद आप लोग सिंपल अपने उस स्क्रिप्ट के अंदर चले जाएँ। जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना ये स्क्रिप्ट, यहाँ पे जो CA Client Pub ID है, पब के आगे से यहाँ पे आप लोगों ने इसको वो कर लेना है, चेंज करना है जो कि आपकी होगी। ओके, चेंज करने के बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से गाइज आप लोगों ने यहाँ पे चेंज करना है अपना Slot ID। एंड Slot ID के लिए सिंपल आप लोग अगेन अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाएं एंड एड्स पे क्लिक करें। जब भी आप लोग एड पे क्लिक करते हैं बाई एड यूनिट पे आ जाएं एंड यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एड, इन फीड एड, इन आर्टिकल एड एंड अदर। अभी हम डिस्प्ले एड पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे अपने एड्स का नाम लिखते हैं, आपके पास कौन सा एड आना चाहिए। लाइक इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास 22 मतलब ये सिंपल नाम है, रिस्पॉन्सिव लिख दिया, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका ऐड क्रिएट हो गया एंड देन नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे Slot ID पे क्लिक करना है, दरमियान वाला नंबर आप लोगों ने कॉपी करना है, सेलेक्ट करना है एंड आ जाना है इधर। इधर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये अपनी आईडी जो है यहाँ पे पेस्ट कर देनी। ओके, जैसे आप लोगों ने पेस्ट किया इसको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना। और जैसे आप लोगों ने कर दी, आपकी जो है ना स्क्रिप्ट रेडी हो गई। सिंपल आप लोगों ने इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद अब बारी है कि आपने इसको लगाना है अपने ब्लॉगर के अंदर। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं ब्लॉगर के अंदर। ओके, अगर अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को भी प्रेस ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहुंचते रहे। सो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए ब्लॉगर के अंदर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2-3 पोस्टें लिख रखे हैं, मैं इसको जो है ऑन करता हूँ। आप लोग चेक करें यहाँ पर कोई ऐड वगैरह नहीं लगा हुआ। ओके, पोस्ट ओपन है। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ओपन किया एंड यहाँ पे आने के बाद ये देखें ऑलरेडी मेरा क्या है, कंपोज व्यू के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया HTML व्यू के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अपना वो पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं, ये भी कर लिया। अब ये तो हमारी है ओल्ड पोस्ट, एक न्यू पोस्ट मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट एक रेंडम पोस्ट करके देता हूँ कि भाई आज क्या डेट है, टूडे न्यू टॉपिक वट एवर। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसको कंपोज वे पे क्लिक करके ऐड कर देता हूँ व्हाट इज दिस एज अ रैंडम। ओके, मैस एंड हम इसको स्पेस दे दिए। अगेन हम चले जाते हैं HTML व्यू के अंदर एंड जाने के बाद इसको स्पेस के साथ दोबारा पेस्ट करते हैं एंड हम लोग इसको पब्लिश पे कर देते हैं। अब ये देखिए हमारे 2 पोस्ट हो गए। अब चलते हैं, अपडेट हो गई अपने इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं एंड आप लोग यहाँ पे जाकर ये हमारा आज का टॉपिक आ गया एंड ये तो ये लास्ट वाली वीडियो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ आए इसके अंदर तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा किस चीज़ का, पब्लिश सॉरी एड्स का। यहाँ पे हम थोड़ा सा हम इसको जो है ना वो टाइम देंगे। टाइम देने के बाद आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पे एड्स जो है ना वो नज़र आने
लग जाएंगे। यहाँ पे इसके अंदर भी आप लोग आएँ तो आपको ऐड नज़र आना शुरू हो जाएगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखें ये साइड पे हमारे पास जो है एक ऐड आना लग गया है, तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा एंड दरमियान में भी ऐड जो है ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये तो हमने कर लिया कि हमारे पास ब्लॉगर के ऊपर जो है ऐड हमने लगा दिए। इसी तरह आप किसी भी अपनी पोस्ट के ऊपर ना ऐड लगाना चाहो तो वो इजीली आके रैंडमली यहाँ पे ऐड जो है अपना लगा सकते हो एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करके अपनी वेबसाइट के अंदर इसके एड्स रन कर सकते हैं। ये वाले स्क्रिप्ट आपको मैं थोड़ी देर में रिवील करूँगा ताकि आप जो है यहाँ से भी जाके देख सकते हो। ओके, अभी मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखते हैं इस पोस्ट के अंदर हमने लगाया तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना नीचे एड्स का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अपनी वर्डप्रेस की साइट के अंदर। ये देखिए मेरे पास वर्डप्रेस की साइट है, इसके अंदर आप लोगों ने चले जाना प्लगइन्स के अंदर, ऐड प्लगइन के अंदर आ जाए। आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ से एक प्लगइन इंस्टॉल करना है ऐड इंसर्टर के नाम से। तो जैसे आप लोगों ने ऐड इंसर्टर का प्लगइन इस्तेमाल किया तो ये वाला इंस्टॉल करें, सिंपल क्लिक ऑन दैट। अब इसके बाद सेटिंग के अंदर चले जाए, मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास सेटिंग है ऐड इंसर्टर के नाम से। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये आ जाएंगे डिफरेंट ब्लॉक्स। मैं पहला ऑफ कर देता हूँ, दूसरे के अंदर आने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको पेस्ट की, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ पोस्ट के अंदर मेरे पास पैराग्राफ के अंदर चाहिए, मैं सेव क्लिक कर देता हूँ। मैंने सेव किया, अब चलते हैं यहाँ से सेव हो जाए अपनी साइट के ऊपर। ओके, ये आ गई एंड इसको रिफ्रेश कर ले थोड़ा सा ताकि हमारे एड्स जो है ना वो ईजिली शो हो जाए। ओके, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपने आर्टिकल पर। आर्टिकल पे आने के बाद आप जो है इसके अंदर आने के बाद देखेंगे कि हमारे जो है ना वो यहाँ पे ये देखें, ये एड्स का सेक्शन आ चुका है हमारे पास जो है ना ऐड। ये देखिए पैनटिप का ऐड लाइव हो चुका है। आप जो है ना आप जितना ज़्यादा करते जाएंगे तो आपको उस हिसाब से ये आपके एड्स जो है ना वो लाइव होते जाएंगे। अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल भी ऐड आ सकते हैं। ओके, अगर हम दूसरा ऐड यहाँ पे देखें, मैं इधर आने के बाद यहाँ पे एक और ऐड लगा देता हूँ। मुझे कहाँ पे चाहिए ऐड भाई, मुझे ये वाला ऐड चाहिए डिसेबल, मुझे चाहिए बिटवीन पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो भाई इसको छोड़ो, मुझे चाहिए इन फुटर सेक्शन, या कह सकते हैं कि भाई आफ्टर इमेज चाहिए एक एंड स्टैट पोस्ट के अंदर। सेव कर लेते हैं इसको। जब भी हम लोग इसको सेव करते हैं अब जाके अपनी वेबसाइट के अंदर इसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे पास ये आया है या नहीं आया अगेन ऐड। ठीक हो गया, इस तरीके से आप जो है ना ये देखें, एक हमारा ऐड ये आ गया, एक हमारा जो है ना पोस्ट के नीचे जो है ना वो हमारा ऐड आने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, ऐड लगा सकते हो और अपनी जो है वेबसाइट के ऊपर पैन टिप से अर्निंग कर सकते हो। कीप इन माइंड कि आपका डैशबोर्ड पैन टिप का होना चाहिए। ओके, उसके बाद चलते हैं अपना देखते हैं कि इसको आप लोगों ने लेना क्या है। सिंपल आप लोग आ जाए अपना, या इधर सर्च करना है विकी भाई, या सिंपल विकी भाई डॉट इन्फो सर्च करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक वेबसाइट मिलेगी विकी भाई डॉट इन्फो के नाम से। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। जब भी आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप लोग ब्लॉग पे क्लिक करेंगे एडसेंस टिप्स पेपर, उसके बाद ये पहला ही आर्टिकल आपको पैन टिप स्क्रिप्ट का मिल जाएगा। जब भी आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया डाउनलोड पर तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, तकरीबन 30 सेकेंड आप लोग वेट करें, इंशाल्लाह 30 सेकंड के बाद आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। जब तक यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है हम चलते हैं अपना आर्टिकल इसके ऊपर। ये हमारा चैनल है विकी भाई डॉट इनफो। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ें, किसी भी किस्म की वीडियो चाहिए होगी, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता, जस्ट आप लोगों ने हमें जो है हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना और वहाँ पर जो उसके एडमिन है वहाँ पे मैसेज करना है, या फिर हमारे यहाँ पे टेलीग्राम है इन पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे ईमेल भी दी हुई है तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपका जो है ना कंप्लीट रहनुमाई कर सकें। ओके, तो यहाँ पे उम्मीद है कि डाउनलोड बटन आ चुका होगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा जो है ना वेट करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा अगेन से एंड यहाँ पे मैं अलाव पे क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया, अब आपकी जो है ना ये डाउनलोड एबल हो जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी भी किस्म की सर्विस चाहिए अबाउट एसईओ के रिलेटेड देन आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ऑल हमारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। So that's all about today's video. Keep supporting me. Thanks for watching. See you soon in the next video.